महाराष्ट्र के सांस्कृतिक एवं वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। नागपुर दौरे पर आए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। मेरा भी मानना है कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मिल बैठकर जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। जब इस पर वास्तविक रूप से चर्चा होगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे चर्चा करतील असं जाहीरपणे पंतप्रधान महोदय हे संवैधानिक विषयावर भाषणामध्ये काही मुद्दे मांडतील अशी या अगोदर ही पद्धत नाही आणि हा शिष्टाचार नाही आहे। उद्धव ठाकरेजी मुख्यमंत्री असताना आपण बघितलं ना की या विषयावर त्यांचं काय भाव होता, त्यांनी मुकामोर्चा कोणत्या विडंबनात्मक शब्दात ते बोलले, शरद पवार साहेब मराठा आरक्षणाच्या विरुद्ध कसे होते, श्रीमती शालिनीताई पाटील यांना पक्षातून एवढ्या मुद्द्याच्या संदर्भात त्रास देत कसं काढलं गेलं, काही विषयावर राजकारण राज्याच्या प्रगतीला बाधा येईल असं भाषण। शेवटी आज उद्या आम्ही तुम्ही राहणार नाही, महाराष्ट्र कायम राहणार, महाराष्ट्राची प्रगती विकास हे केंद्र बिंदू असेल। सुधीर मुनगंटीवार ने उद्धव गुट के दशहरा कार्यक्रम के उद्धव ठाकरे के भाषण पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हुए इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की भावनाएं क्या थी, उन्होंने व्यंग्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, शालिनीता पाटिल को इस मुद्दे पर परेशान करने से कैसे हटा दिया गया, यह टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए कि राज्य की स्थिति खराब हो जाएगी, मैं इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। अधिक जानकारी आप संजय गायकवाड़ से प्राप्त कर सकते हैं। यावरची प्रतिक्रिया आणि यावरचं जास्तीची माहिती आपण त्यांच्याकडून घेऊ शकता। मग या संदर्भात भाष्य करणं योग्य वाटत लोकशाहीमध्ये मुद्द्यावर राजकारण व्हावं, मुद्द्यावर होऊ नये, कोणत्याही ठिकाणी मारपीट करणं, दगडफेक करणं अशी कोणतीही कृती करणं की जी कृती उद्या तुमच्या सोबत झाल्यावर मात्र कायदा आठवतो, संविधान आठवतं, पोलीस स्टेशन आठवतं, अशी कोणतीही कृती करू नका। एक मिनिट फक्त विचार करा की उद्या तुमच्या संदर्भात अशीच कृती आचरण कोणी केलं तुम्हाला आनंद वाटेल का। गुरुवार को मुंबई में वकील सदा वेटे के गाड़ियों पर हमला किया गया। इस मामले पर बात करते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह की हिंसा, मारपीट या तोड़फोड़ उचित नहीं है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो एक मिनट सोचने से पहले कानून और पुलिस स्टेशन को याद कर लेना चाहिए। हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है और हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। कोई भगवान राम को मानता है, कोई रावण को मानता है। प्रत्येकाला कोणी प्रभू रामाला मानत असेल, कोणी रावणाला मानत असेल, कोणी भारताच्या अस्मिते अस्तेबद्दल कोणाच्या मनात आदर असेल, कोणी आस्था आणि अस्मिता यावर विश्वास ठेवणारा नसेल, तर हे तर हजारो वर्षापासून आहे, हे तर कलियुग आहे। तेव्हाही अशी लोक होती, पांडव होते, कौरव होते, कंस होता, भगवान कृष्ण होते, राम होते, रावण होते। तर मला असं वाटतं की शेवटी आपलं मत कुणी मांडलं म्हणून त्याच्यावर तुटून पडण्याचं काही कारण नाही। आम्ही राम भक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता त्यांच्याही राजघाटाच्या समाधीवर हे राम लिहिलं आहे, हे रावण लिहिलं नाही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।